आज 24 मार्च को विश्व भर में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि देश से टीबी जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करना है। सरकार द्वारा इसे खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, जबकि हरियाणा सरकार द्वारा ये लक्ष्य 2023 तक पूरा किया जाना है। मसलन हरियाणा को 2023 तक टीबी से मुक्त करना है। इसी कड़ी में आज सिविल सर्जन कार्यालय से एक प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन करनाल के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश कुमार ने कहा कि अब टीबी जैसी बीमारी लाइलाज नहीं रही, लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि कोविड जैसी महामारी के दौरान ये बीमारी और भी गंभीर हो सकती है। इससे मरीज की जान पर भी बन सकती है, इसलिए यदि किसी को भी टीबी जैसी बीमारी हो तो वह तुरंत अपना उपचार करवा ले। सरकार द्वारा इस रोग का इलाज और जांच पूरी तरह से निःशुल्क है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सिम्मी ने बताया कि समय लगातार निकलता जा रहा है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना रुके बिना थके चलना है ताकि इस बीमारी पर जीत हासिल की जा सके। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि आज 24 मार्च है, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, यानी कि इस बीमारी को हराने के लिए पिछले कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी सिविल सर्जन के द्वारा एक गाड़ी को रवाना किया गया है, जिसके माध्यम से यह गाड़ी प्रचार का काम करेगी और शहर भर में घूमेगी। अब मेरे साथ बात करने के लिए, मैं बात करने का प्रयास करूंगा करनाल CMO डॉक्टर योगेश शर्मा से। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। सर, आज वर्ल्ड टीबी डे है, अभी आपने एक गाड़ी को रवाना किया है, ये इस गाड़ी को रवाना, ये क्या गाड़ी प्रचार का माध्यम बनेगी सर, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना है? देखिए, आज विश्व टीवी दिवस पे आप सबको पता है कि हमारे देश में हमने लक्ष्य जो है 2025 तक टीवी को उन्मुक्त ख़त्म करने का हमने राज्य में रखा हुआ है, और उसी के लिए लोगों को और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो आज ये हमने वैन जो फ्लैग ऑफ करी है, जो विभिन्न एरियाज़ में जाएगी डिस्ट्रिक्ट के, और लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगी कि कोई भी जो पुरानी खांसी है, दो हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है, उसको हल्के से ना लें और इमीडिएटली अपने जो गवर्नमेंट सेटअप है वहाँ पर जाके अपना टेस्ट कराएँ। इसके लिए पूरी तरह जो टेस्ट की व्यवस्था है, और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है टीबी का वो पूरी तरह मुफ्त है। और आजकल पैंडेमिक के दौर में ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो खांसी है या इस तरह का फीवर है लंबा, तो उसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। और जो कोविड है टीबी के मरीज़ों में और ज़्यादा घातक हो जाता है, तो इसलिए हमें टीबी के मरीज़ को इमीडिएटली बहुत जल्द से जल्द डिटेक्ट भी करना है और उसको ट्रीट भी करना है। अब मैं बात करता हूँ डिप्टी CMO डॉक्टर सिम्मी से। मैम, एक स्लोगन है आपके मास्क पे भी लगा हुआ है, मेरे मास्क पे भी, गाड़ी के ऊपर भी लगा हुआ था, द क्लॉक इज टिकिंग। यस, इसका क्या अभिप्राय है? जैसे कि इस साल के वर्ल्ड टीबी डे का स्लोगन है द क्लॉक इज टिकिंग, इसका मतलब है कि समय कम है और काम हमें ज़्यादा करना है। तो हम अब आराम का टाइम नहीं, अब सिर्फ हमें काम करना है, क्योंकि टीबी एक पुरानी बीमारी है, और इसका इलाज भी जो है वो थोड़ा लंबा है, और इसका मृत्यु दर जो है और भी किसी बीमारी से ज़्यादा है। तो हमें लोगों से यही अपील करती हूँ कि जिसमें भी ऐसे टीबी के लक्षण हैं, वो जल्द से जल्द आकर अपने स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं और ट्रीटमेंट लें, ताकि ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन है ये टूट सके। मैम, अब कब तक का लक्ष्य है टीबी को भारत मुक्त कराने का? भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त कराने का लक्ष्य है, और हरियाणा सरकार के लिए 2023 का लक्ष्य दिया गया हमें। तो हमें बिना थके अब मेहनत करनी है टीबी को भगाने के लिए। ये थे हमारे से डिप्टी CMO जिन्होंने बताया कि अब भारत को 2023 तक हमें टीबी मुक्त बनाना है। पहले 2025 तक का लक्ष्य था, लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा 2023 का लक्ष्य दिया गया है, यानी कि समय कम है। जो स्लोगन की बात मैंने इनसे पूछी, इनका कहना है कि अब हमें बिना थके बैठना नहीं है, बिना थके चलते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि टीबी को हमें जड़ से मिटाना है। आज वर्ल्ड टीबी डे है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी एक गाड़ी को भी रवाना किया गया है झंडी दिखाकर, ताकि प्रचार और प्रसार दोनों हो सके। और हमें जहाँ तक जानकारी मिली है, पहले जो आपका लक्ष्य था वो 2025 तक था इंडिया को टीबी मुक्त बनाने का, लेकिन अब जो हरियाणा सरकार द्वारा लक्ष्य दिया गया है वो 2023 तक है। आप यहाँ पर DTC में इंचार्ज हैं सर, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर के इंचार्ज हैं करनाल। आप प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों से मिलते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतिदिन कितने ऐसे मरीज हैं जो डिडक्ट हो जाते हैं? लगभग 20 से 25 पेशेंट डेली, मतलब हमारे टीबी के पॉजिटिव पेशेंट आते हैं, जिनका बलगम में टीबी होता है, वो लगभग 20 से 25 पेशेंट डेली आते हैं। कुछ के एक्सरे, जैसे छाती में पानी भरा होता है, पानी वाली टीबी होती है, कुछ के पेट में टीबी होती है, गांठें बन जाती हैं,
कुछ को हड्डियों की टीबी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी की टीबी हो जाती है, कुछ को दिमाग की टीबी हो जाती है जिसमें दिमाग के अंदर सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है, उससे मरीज जो होता है दिमाग की टीबी वाला बेहोश हो जाता है, उनको दौरे आते हैं। तो इस तरह की टीबी के मरीज काफ़ी मात्रा में आते हैं हमारे यहाँ। सर, अगर हम करनाल ज़िले की बात करें, करनाल ज़िले में जो लोग हैं वो किस तरह की टीबी से ज़्यादा पीड़ित होकर आपके पास आते हैं? ज़्यादातर तो जो पेशेंट हैं वो 70-75% जो पेशेंट हैं वो हमारे बलगम की टीबी के पेशेंट आते हैं, जो सांस की टीबी होती है, जो खांसने से, जो खुले में खांसने से फैलती है, उस वो वाले टीबी के मरीज़ ज़्यादा आते हैं। और उसमें क्यों आते हैं, क्योंकि जो मरीज़ हैं वो टाइम पे इलाज वो जांच नहीं कराते, खांसी होती है, जबकि सरकार ने सभी जगह टीवी पे, अखबार में, दीवारों पे, हर जगह ऐड कर रखी है कि भाई 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, बुखार हो, तो आप स्वास्थ्य केंद्र में जाके मुफ्त बलगम की जांच, एक्सरे, दवाइयाँ, ये सब मुफ्त है। तो पर मरीज़ क्या करते हैं, आसपास के केमिस्ट से या छोटे मोटे RMP डॉक्टरों से दवाई लेते रहते हैं और अंदर ही अंदर उस बीमारी को पालते रहते हैं और साथ में वो फैलाते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक वो पेशेंट आता है तो 4-5 पेशेंट बना के आया होता है, घर में वो फैल चुका होता है कीटाणु। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई जब भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा हो और ठीक नहीं हो रही है तो आप उसको जाके जांच कराएं, स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे करवाएं, बलगम की जांच कराएं, जिससे कि टाइम पे, समय पे उसका टीबी का इलाज शुरू हो सके और वो फैले ना आगे। सर, अब सरकार का स्लोगन ये है कि हारेगा टीबी जीतेगा इंडिया। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि जनता अगर कोऑपरेट करे तो क्या हम वो मिशन को पा सकते हैं? हाँ बिल्कुल पा सकते हैं, क्योंकि पहले जब आज से 4 साल पहले जो मैं देखता था कि टीबी के पेशेंट ज़्यादा टीबी वाले पेशेंट होते थे, आजकल पेशेंट जो पहली जल्दी स्टेज में आ जाते हैं तो लोगों में जागरूकता तो आई है टीबी को लेके। बस हम यही कहते हैं कि और ज़्यादा जल्दी आएँ, इलाज करें और पूरा इलाज करें। प्रॉब्लम क्या है, जो जो लोग नशा करते हैं और जो लोग बुरी आदतों में पड़ते हैं, ये इन लोगों के साथ थोड़ा दिक्कत यह है कि ये टीबी की दवाई पूरी नहीं खाते, कुछ दिन खा के वो टीबी की दवाई बंद कर देते हैं। तो इसलिए टीबी की दवाई का जो इलाज है पूरा 6 महीने का है या जितना भी हमारा टाइम पीरियड होता है वो पूरा करना चाहिए। सर, आज वर्ल्ड टीबी डे है, इस अवसर पर आज आप आम लोगों से या आम जनता से या ऐसे जो लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, पहले कभी इसको लाइलाज बीमारी माना जाता था, अब इसका इलाज पूरी तरह से संभव है अगर पेशेंट ठीक ढंग से दवाई लेता है, अपना उपचार तरीके से, तो आप ऐसे लोगों से, आम जनता से और ऐसे पीड़ित व्यक्ति जो कि इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि भाई टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, अगर जो आप उसको समय पर आकर उसका जाँच कराएँ, इलाज कराएँ, तो टीबी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो टीबी का इलाज एक तो मुफ्त है और उस साथ में मरीज को हम पैसे भी देते हैं पोषण योजना के तहत, तो ऐसे मरीजों का इलाज के लिए मतलब स्वास्थ्य केंद्र में आना बहुत ज़रूरी है। अगर जो स्वास्थ्य केंद्र पर समय पर आ जाते हैं तो उनका इलाज मुफ्त होता है, पूरा इलाज होता है। टीबी का इलाज अब लाइलाज नहीं रहा है, एक से एक बढ़िया दवाई सरकार ने दी हुई है। अगर जो किसी की बिगड़ी हुई टीबी भी आती है तो हमारे पास उसके लिए भी एक से एक महंगी दवाइयाँ दे रखी हैं सरकार ने, जो हम उन मरीजों को देते हैं। बस थैंक यू। ये थे मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार करनाल से, टीबी रोग विशेषज्ञ। मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर इन्होंने हमारे से विस्तार से बात की। इन्होंने ये कहा कि अब टीबी पहले जैसी लाइलाज बीमारी नहीं है, सरकार के द्वारा अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लोगों को प्रदान की जाती हैं, टीबी का जाँच उपचार सब कुछ निःशुल्क है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। जो आज वैन प्रचार के लिए छोड़ी गई है सर, करनाल के जो विभिन्न इलाकों में जाएगी, उसका भी अभी मकसद यही है कि वह जगह जगह जाकर लोगों को टीबी के बीमारे में जागरूक करे, टीबी की बीमारी के बारे में जागरूक करे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि नाखूनों और बालों को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है और प्रत्येक टीबी का इलाज संभव है। इतना ही नहीं, अब तो बिगड़ी हुई टीबी का इलाज भी करनाल के स्वास्थ्य केंद्र में या डॉक्टर प्रदीप के पास आकर आप अपनी जाँच करवा सकते हैं और उपचार शुरू करवा सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार द्वारा पोषण योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह मरीज को तब तक दिया जाता है जब तक उसकी दवा चलेगी। इसलिए हमारी समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से आप जनता से अपील है कि आज वर्ल्ड टीबी डे है, हरियाणा सरकार द्वारा जो मिशन तय किया गया 2023 तक को हरियाणा को हमें टीबी मुक्त कराना है, उस मिशन में हम भी अपनी भागीदारी को बनाएं। अगर हमारे आसपास भी कहीं ऐसा कोई मरीज लगता है जिसमें टीबी के लक्षण है तो उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र की तरफ लेकर जाएं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज़।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।